How to fix Play Store search button not working? How to fix? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Play Store पर जब हम कोई ऐप कोई गेम सर्च करते हैं तो वो काम नहीं करता है। बेसिकली Play Store का सर्च बटन काम नहीं कर रहा, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिकली हम Play Store को यहाँ पर ओपन जब करते हैं तो हमारे सामने कई सारे गेम्स वगैरह तो आ जाते हैं ऑलरेडी, लेकिन हमें जो गेम्स ऐप्स जो भी चाहिए होता है वो यहाँ पर सर्च बटन से हमें मिलता है, ठीक है ना, सर्च बटन से मिलता है। तो सर्च बटन हमारा काम नहीं करता, उस केस में हम क्या करेंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सर्च बटन अगर आपका काम नहीं कर रहा प्ले स्टोर का, तो इसके लिए मैं आपको दो तीन तरीके बताऊँगा जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ से बैकग्राउंड पर आपके जो भी जितने भी एप्लीकेशन है उसको एक बार हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना, एप्लीकेशन हट गए हैं। उसके बाद आपको अपना डेटा को ऑफ कर लेना है एंड यहाँ से एरोप्लेन मोड हमारा ऑन कर लेना है। ये पहला तरीका है। एरोप्लेन मोड ऑन करने के बाद मोबाइल डेटा ऑन करेंगे एंड देन प्ले स्टोर को फिर से रीओपन करेंगे एंड चेक करेंगे क्या हमारा जो है सर्च बटन काम कर रहा है या नहीं। तो हम आ चुके हैं प्ले स्टोर में, यहाँ पर सर्च बटन पर कुछ टाइप कर दिया मैंने, एग्जांपल के लिए मैं काइन मास्टर लिख देता हूँ, तो काइन मास्टर हमारा जो है सर्च वगैरह हो रहा है। बट कभी कभार आपका जो सर्च बटन है फिर भी काम नहीं करे, उस केस में आपको करना क्या है चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक बार प्ले स्टोर में जाना है एंड अगर फिर आपका प्ले स्टोर का सर्च बटन तो खैर काम नहीं कर रहा, इस केस में आपको ये करना है कि आपको अपने जो है सेटिंग को ओपन करना है। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशन या फिर ऐप्स एंड मैनेजर वाला जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है। किसी फ़ोन में ऐप्स एंड मैनेजर होता है, किसी फ़ोन में एप्लीकेशन लिंक कराता है। बेसिकली ये जो सेटिंग है अलग अलग डिवाइस की अलग अलग तरीके से आती है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ऐप्स मैनेजर पर। बेसिकली आपको अपने फ़ोन की जो ऐप्स है उसको ओपन करना है। यहाँ पर मैं सिमोल करूँगा और यहाँ पर हमें प्ले स्टोर को ढूंढना है। अगर आपको प्ले स्टोर नहीं मिल रहा तो ऊपर सर्च बटन है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर लिखा आता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे जो इसका स्टोरेज एंड कैचे है। स्टोरेज एंड कैचे के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें इसका कैचे और स्टोरेज दोनों ही हटा देना है, ठीक है ना, मतलब क्लियर डेटा एंड क्लियर कैचे करना है। इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है, अपने आप डेटा वगैरह चला जाता है। ये तरीका से आपकी जो प्रॉब्लम है 101% सॉल्व हो जाएगी। अब फिर से बैक आएंगे एंड हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। इस केस में आपका जो प्रॉब्लम है वो लगभग सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम जैसे सर्च बटन पर क्लिक करते हैं हमारा जो सर्च वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, जो भी सर्च है वो हो रहा है। तो अगर आपकी इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो एक और एडिशनल मैं आपको मेथड बताता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में ही ओपन करेंगे प्ले स्टोर को। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो आपका अकाउंट का साइन बना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। सेटिंग में आ जाएंगे, सेटिंग में हमें आ जाना है। उसके अलावा सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर कई सारे हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अकाउंट्स जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है इसमें आना है। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर आकर हमें यहाँ पर जो है कुछ काम करने होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो अकाउंट्स वाला मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे वाला जो खुल जाता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर हमने क्लिक किया है, यहाँ पर थोड़ा सा लोड लेगा। यहाँ पर ईमेल फ्रॉम गूगल प्ले वगैरह आपको खुलकर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको करना यही है कि यहाँ से जो है इस ऑप्शन को यहाँ से आपको टैप करना है, इस ऑप्शन के ऊपर आपको दबाना है। लीव बीटा प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लीव करेंगे। लीव हमने कर लिया है, इसको एक दो बार और ट्राई करेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। इससे ये होगा ना कि मतलब सर्च का और इसका कोई ज़्यादा आपस में कनेक्शन नहीं है, बट एज अ हम अगर प्ले स्टोर पर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो शायद हमारा जो सर्च करने का जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों को लगेगा लीव बीटा प्रोग्राम से क्या होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम प्ले स्टोर में काफ़ी समय तक एक्टिविटीज़ ना करें तो हमारा सर्च बटन काम करना नहीं करता है, इसलिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, लीव ऑल बीटा प्रोग्राम पर क्लिक किया एंड यहाँ पर फिर से हमने सर्च किया तो हमारा सर्च बटन अभी भी काम कर रहा है। तो आई होप मैंने आपको जो तरीके बताए आप काम करोगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।